के साथ। आज रविवार को वाराणसी के गोलघर स्थित प्राण संस्कृति भवन में भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत केशरी ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने भारत की जीडीपी दुनिया की बड़ी ताकत होने का दंभ है। आज भी भारत विश्व की लोकल मिडिल क्लास इनकम कैटेगरी वाले देश में आता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए व्यापार आधार है, जिसकी मूल कड़ी है व्यापारी, किंतु व्यापारियों को आज भी उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है एवं प्रदेश में व्यापारियों के साथ उनकी समस्याओं के समाधान व उचित सम्मान हेतु व्यापारी आयोग के गठन होने से व्यापारी अपनी समस्याओं एवं किसी प्रताड़ना से मुक्ति पा सकेंगे। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत केशरी, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनूप जायसवाल, सूर्यकांत दुबे, सुंदरम पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। व्यापारियों का समस्या का समाधान, अगर जो भी व्यापारी की समस्या होगी वो व्यापारी आयोग में लिखेगा और व्यापारी आयोग उस पे जो है संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करेगा। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी? देखिए, आज माँ जगत जननी गंगा जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और यहां से वाराणसी बाबा काशी विश्वनाथ जी के नगरी वाराणसी से मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर हम लोग एक पूरी हमारी जो टीम है भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन की, उसमें गहन मंत्रणा किया जाएगा और हमारे भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो व्यापारिक संगठन के लोग हैं, उनसे मैं मंत्रणा करूँगा। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है आगे आप लोगों को खुद ही मालूम होगा। बहुत लाभ है भैया, एक साधे से सब सदस्य, सब साधे सब जाए। अगर व्यापारी आयोग अगर एक बन जाएगा तो पूरे हमारे देश के व्यापारी एक छत के नीचे अपनी समस्या का समाधान कर सकते। सच के साथ।